हेलो फ्रेंड्स वर्ल्ड अकेडमी में आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्राइग्लिसड ठीक है फ्रेंड्स बायोकेमिस्ट्री का हमारा ये टॉपिक है ट्राइग्लिस्ट्राइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान तो से समझिएगा इसको ट्राइग्लिसड इतना हार्ड नहीं है ठीक है तो देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, इसका प्रिंसिपल जो है ट्राइग्लिस राइट का वो है ट्राइग्लिस्ट्राइड आर हाइड्रोलाइज बाइ लिपोप्रोटीन लाइप ठीक है थीके? इसको एल पी एल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम ठीक है सो टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड से प्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स ग्लिस्टर फ्री फैटी एसिड यानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है एफ एफ पी फ्री फैटी एसिड तो आपको बेसिकली क्या इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ये शॉर्ट फॉर्म होती है इनका फुल फॉर्म याद रखना है ठीक तो है तो एल पी एल का क्या है लिपोप्रोटीन लाइपेस एंड एफ एफ पी का है फ्री फैटी एसिड ठीक है फ्रेंड्स सो इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिस्टरोल का लिखते हैं ठीक है सो एडि ड्राइफॉस्फेट ए टीपी एडिनोसिन हमारा ट्राइफॉस्फेट है ये जो ग्लिसरॉल हमारा फॉस्फेटेज है ये क्या प्रोड्यूस करता है ग्लिसरोल थ्री फोस्फेट प्रोड्यूस करता है और एडीनोसिन डाइफोस्फेट भी प्रोड्यूस करता है सो इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय ग्लिसरोल थ्री फोस्फेट तो फ्रेंड्स क्या है जो ग्लिस्ल थ्री फोस्फेट है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है ठीक है ये एक रिएक्शन चल रही है यहां पर इसका एक प्रिंसिपल है रिएक्शन चल रही है तो वो रिएक्शन मैं आपको नीचे बताऊंगी पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ठीक है फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ग्लिसरोल थ्री फोस्फेट ऑक्सीडेज बनेंगे जिसको जीपीओ भी बोलते हैं टू प्रोड्यूस डायहाइड्रोक्सी एसिटॉन फोस्फेट डी ए एंड एच ठीक है सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेस पीओडी हाइड्रोजन पर कपल विथ फोर अमाइनो एंटीपाइरिन एंड फोर ए ए पी भी लिखते हैं हम इसको एंड फोर क्लोरोफिनोल टू प्रोड्यूस रेड क्वानिन ठीक है डाई क्वानिन डाई प्रोड्यूस करता है सो एब्जॉर्बेंस ऑफ कलर डाई इज मेजर्ड इज मेजर्ड ऑफ 505 नैनोमीटर पे हम इसको मेजर करते हैं जो कलर यहाँ पे होता है उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं और एंड इज प्रपोर्शनल टू ट्राइग्लिसराइड कंसेंट्रेशन इन दी सैंपल्स ठीक है ट्राइग्लिसराइड लिपोप्रोटीन लाइपेस ट्राइग्लिसराइड क्या है सो क्वानिन डाई जो हमारा एबजोर्बेंस ऑफ कलर हो गया इसको मेजर करेंगे हम 505 नैनोमीटर पे ठीक है फ्रेंड्स सो so, जो हमारा उसकी कंसंट्रेशन सैंपल की कंसंट्रेशन हमें पता चलेगी तो यहाँ पर जो रिएक्शन हमने ऊपर पड़ी है यहाँ पे वो शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन दी हुई है आप देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड है वो रिएक्ट करेगा लिपोप्रोटिन लाइपेस के साथ एलपीएल के साथ तो ग्लिस्टरॉल प्रोड्यूस करेगा प्लस में फ्री फैटी एसिड एफ प्रोड्यूस करेगा उसके बाद जो हमारा ग्लिस्ट्रोल है वो एटीपी के साथ मिलके एटीपी क्या है हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसके साथ मिलके क्या प्रोड्यूस करेगा ग्लिसरॉल काइनेस के साथ रिएक्शन करेगा जीके के साथ एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेट प्लस एडीपी बनाएगा तो फ्रेंड्स जो हमारा एडीपी है एडिनोसिन डायफोस्फेट प्रोड्यूस करेगा ठीक है ये रिएक्शन है रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद करना है ये सो so, ग्लिसरॉल जब हमें मिला उसके बाद ये ऑक्सीडाइज होगा यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा किसकी प्रेजेंस में ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में जीपीओ की प्रेजेंस में डीएपी बनाएगा ठीक है डीएपी क्या है डायहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट डायहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट है फ्रेंड्स और प्लस में एस टू ओ टू पर हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेस यहां पर हमारा डीएपी डायऑक्सी एसिटोन फॉस्फेट है एस टू ओ टू प्लस हो गया हमारा पर के साथ रिएक्ट करेगा और क्वानिन डाई बनाएगा प्लस फोर एच टू ओ टू पर रिएक्शन पढ़ी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो रिएक्शन आपको याद रखनी है ठीक है सो so इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ट्राइग्लिसराइड का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है फ्रेंड्स ट्राइग्लिसराइड आर फैमिली ऑफ लिपिड प्रोड्यूस एंड जिनली फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एड ऑब्जर्व एंड डाइट आर दी फाउंड इन ऑल प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड मेजर इन एन इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हाइपर लिपिडीमिया ठीक है सो बेसिकली क्या है जो हाइपर लिपिड लिपिडियामेसिस केस में जो हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है उसके अंदर लिपिड प्रोड्यूस होते हैं तो अगर आपकी बॉडी में जो लिपिड है ठीक है लिपिड के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल होती है बेसिकली उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आता है एसडीएल एलडीएल आता है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी प्रोटीन वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आता है हमारा ठीक है सारे के सारे इसमें होते हैं तो जो भी है इसके अंदर जो मेजरमेंट होती है उनकी ठीक है लिपिड की जो मेजरमेंट होती है कम आ रहा है बॉडी में ज्यादा आ रहा है तो उसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर ठीक है इंक्रीज होने पे हमारे डिसएडवांटेज होते हैं काफी सारी जो डायग्नोसिस के लिए हम उसको यूज करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर यही है कि ट्राइग्लिसराइड जब हम चेक करते हैं बॉडी में बॉडी में उसका लेवल चेक करते हैं कितना है कितना इंक्रीज हुआ है ठीक है नॉर्मल है या नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीज ठीक है और डिक्रीज कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर अगर इंक्रीज कंसेंट्रेशन होती है ट्राइग्लिसराइड की तब क्या कंडीशन होती है और डिक्रीज होती है तब क्या कंडीशन होती है ठीक है सो इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज फाउंड इन हाइपर ट्राइग्लिस ठीक है अगर इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर तो हाइपर होता है सो स्कैमिक हार्ट डिजीज भी हो सकती है हाइपर लिपोप्रोटीमिया भी हो सकता है टाइप वन एंड टाइप फाइव ठीक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है फ्रेंड्स हाइपोथर भी हो सकता है डायबिटीज के केस के में भी ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो सकता है ठीक है एंड एक्यूट पेनक्रियाटिसिस ठीक है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज एंड टेंज डिजीज तो ये सारे डिजीजेस क्या हो सकते हैं इसके केस में इंक्रीज होने केस में हो सकते हैं डिक्रीज केस में क्या हो सकता है अगर बायचानस आपकी बॉडी में जो ट्राइग्लिस है वो नॉर्मल से बिल्कुल लो हो गया है ठीक है तो उस केस में डिक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ ट्राइगसाइड एंड फाउंड रेयर डिजीज लाइक अबैटा लिपोप्रोटीनिमिया ठीक है अबेटा लिपोप्रोटीनिमिया एक ऐसी डिजीज है एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या होता है जो ट्राइग्लिसराइड है वो उसका लेवल जो है बॉडी में डिक्रीज हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स बॉडी में डिक्रीज होने के कारण क्या होता है जो अबैटा लिपोप्रोटीनिमिया है ये डिजीज देखने को मिलती है ठीक है सो बेसिकली फ्रेंड्स हमारे ट्राइल यहीं पे फिनिश होता है बहुत ही अच्छा टॉपिक है बहुत ही टॉपिक है इसके अंदर आपको रिएक्शन याद रखनी है ठीक है जो अगर आपको याद नहीं होती है तो प्लीज एक बार आप आपसे लिख लीजिएगा उसे दो चार बार देखेंगे तो वो याद हो जाएगा बहुत ही अच्छा टॉपिक है अगर वीडियो अच्छी लगी होती तो इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं ट्राइगले राइड के रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में